हेलो दोस्तों, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन इज अ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस रिकर्सिवली। इट इज नॉर्मली द फॉलोइंग फॉर्म। रिकर्जन इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये है, कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया होगा और इसमें हमें एन कंसीडर करना है, जीरो और एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और इनिशियल स्टेज दिया होगा टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। रिकरेंस इक्वेशन के टू मेथड है। फर्स्ट मेथड है मास्टर थ्योरम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, और आज हम ये वीडियो में बात करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड में फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे एग्जांपल में ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और इनिशियली वैल्यू यहाँ पे दी है टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टी जीरो स्टेज का वैल्यू है जीरो। और ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम टी वन फाइंड करेंगे, फिर टी टू, टी थ्री, टी फोर, सो ऑन फाइंड करके हम ये इक्वेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एन इज इक्वल टू वन वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो टी वन हमें मिल जाएगा। तो टी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन है तो वन माइनस वन, तो टी जीरो हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू वन है। टी जीरो की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो टी जीरो की वैल्यू जीरो प्लस वन, तो टी वन आया वन। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं एन इज इक्वल टू टू, तो टी टू स्टेज हमें मिलेगा, टी टू स्टेज की वैल्यू होगी थ्री। सिमिलरली एन इज इक्वल टू थ्री पुटअप करेंगे तो टी थ्री मिलेगा हमें, टी थ्री इज इक्वल टू सिक्स। फिर एन इज इक्वल टू फोर, तो टी फोर हमें मिलेगा, तो टी फोर की वैल्यू होगी टेन। तो सीक्वेंस से हमें वैल्यू मिलती है वन थ्री सिक्स टेन। तो इसका जनरल इक्वेशन है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है एन रेज टू टू डिवाइड बाय टू प्लस एन डिवाइड बाय टू। तो ये इक्वेशन में आप देख सकते हो मैक्सिमम पावर एन स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ओ एन स्क्वायर। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये इक्वेशन दिया है, अब हम क्या करेंगे, पहले n माइनस वन फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे टी एन इक्वेशन में, फिर n माइनस टू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे, मीन्स और इनिशियली वैल्यू दी हुई है टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले n माइनस वन फाइंड करते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन में क्या करना है, n माइनस वन जहाँ पे भी n आता है वहाँ पे माइनस वन रखो, तो आपको मिल जाएगा टी एन माइनस वन। तो टी एन माइनस वन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ये हमें इक्वेशन वन मिला। ये इक्वेशन वन की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और फिर से टी एन फाइंड करेंगे। तो फिर से टी एन हम फाइंड करेंगे, तो टी एन माइनस वन की जगह ये इक्वेशन आ जाएगा पूरा, और इसका हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन, ये हमें मिला इक्वेशन टू। ये अब हमारा हो गया नया टी एन। अब ये टी एन में हम क्या करेंगे, टी एन माइनस टू फाइन करेंगे और इसकी वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो टी एन माइनस टू फाइन करेंगे, तो जहाँ पे भी एन है वहाँ पे आप ये इक्वेशन में जहाँ पे भी एन है वहाँ पे एन माइनस टू रखो, तो हमें टी एन माइनस टू मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हुआ हमारा थ्री। अब ये क्या करना है, इक्वेशन को हमें इक्वेशन टू में पुटअप करना है। इक्वेशन टू हमारा ये नया टी एन है, तो ये टी एन में हम क्या करेंगे, टी एन माइनस टू की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो कुछ हमें टी एन ऐसा मिलेगा। ऐसा हमें अप टू के स्टेज तक करना है, तो के स्टेज तक हमें ये टी एन मिलेगा। ये हमने क्या किया, अप टू के स्टेज तक फाइंड किया टी एन। अब क्या करना है, के इज इक्वल टू एन ये इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो हमें टी एन मिलेगा टी जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, और टी जीरो की वैल्यू जीरो ऑलरेडी दी हुई है, तो टी जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री सो वन अप टू एन। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, जनरल फॉर्मेट एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एन रेस टू टू डिवाइड बाय टू प्लस एन डिवाइड बाय टू। अब ये इक्वेशन में मैक्सिमम पावर एन स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ एन स्क्वायर।